नमस्कार आप साथियों, नमस्कार, आप सबको नमस्कार। जन सरोकार मंच के कार्यक्रम में आज हम प्रोफेसर रामावतार जी गुप्ता से बातचीत करने जा रहे हैं। मैं दर्शकों को प्रोफेसर रामावतार गुप्ता के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। प्रोफेसर रामावतार गुप्ता लंबे समय तक राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा से जुड़े रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर गुप्ता अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, अपनी सामाजिक अंतर्निष्ठा, संगठन के साथ में अपने गहरे जुड़ाव, अपने मानवीय सरोकार और अपनी साहित्य, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, दर्शन के अंदर जो गहरी रुचि है उसके चलते चिंतन में और उनसे जब बातचीत करते हैं तो उनके व्यापक अध्ययन से हम परिचित होते हैं। आज हम प्रोफेसर रामावतार गुप्ता ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जो एक अलग पहचान बनाई है उसे लेकर के उनके अनुभवों से परिचित होना चाहेंगे और साथ ही साथ वे जिस तरह से बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं वह प्रेरणा उनको कैसे मिली और उन्होंने ये क्यों जरूरी समझा कि बच्चों के साथ में काम किया जाना आज बेहद जरूरी है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो मैं प्रोफेसर रामावतार जी गुप्ता से आग्रह करूंगा कि वे इस संवाद के माध्यम से अपना जो कार्यानुभव है उसे और साथ ही साथ उन्होंने जो कुछ लिखा, पढ़ा, सोचा, समझा है उससे हमारे दर्शकों को परिचित कराएं। गुप्ता साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए क्या कुछ नया अनुभव बटोरते रहे और आपने ये निर्णय कैसे लिया कि मुझे सामाजिक क्षेत्र के अंदर और खास तौर से बच्चों के बीच में काम करना चाहिए, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली और आपने क्यों जरूरी समझा? माननीय मनु जी, जयंत साहब, सक्सेना साहब, दरअसल ये बहुत अहम सवाल आपने किया है क्योंकि इस उम्र में एक नए काम के हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं थोड़ा सा दरअसल 2019 में मुझे ये लगने लगा कि हमारी जो समाज में जो संवैधानिक नैतिकता है
हमारी जो संस्थाओं की जो संवैधानिक नैतिकता है, हमारे जो सत्ता की जो संवैधानिक नैतिकता है, वो धीरे धीरे चुक रही है। जी और एक तरह से विकल्पहीनता समाज में आ रही है, डर फैल रहा है, घृणा फैल रही है, भाईचारा गायब हो रहा है। और जिन मूल्यों को हमने संविधान के रूप में विकसित किया था, भाईचारा, न्याय, आजादी, लोकतंत्र, वह एक तरह से खतरे में पड़ने लगा है। क्या किया जाए? इस संबंध में मेरी अनेक लोगों से बातचीत हुई। जी मैं पंजाब में एक जगह है बरनाला, वहां पर प्रोफेसर बलवंत सिंह एक तर्कशील संस्था बना चलाते हैं। जी जी वो अपने तरह से वर्षों से उसमें काम कर रहे हैं और वे पंजाब में एक तरह से वैज्ञानिकता की मुहिम छेड़ रखी है। मैंने उन लोगों से पटियाला में, मोगा में, अंबाला में, रोहतक में संपर्क किया है। फिर मैंने जो बॉम्बे में अंधश्रद्धा निवारण समिति है, जी जो एक कानूनी रूप से एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत जबरदस्त काम वो महाराष्ट्र में करती है। और उनका जो विधेयक है, अंधश्रद्धा निवारण समिति, वो विधानसभा में पास विधेयक है, उसके तहत वो काम करती है। और एक हमारी ऑल इंडिया संस्था है, ऑल इंडिया रेस्टलिस्ट एसोसिएशन, अच्छा जो विजयवाड़ा में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं, और बॉम्बे में भी है, केरल में भी है, इवन बंगाल में भी है। उसका वो ऑल इंडिया संस्था है। पिछले दिनों दिसंबर में उसका ऑल इंडिया अधिवेशन हुआ था और संयोग जी से मैंने आज ही उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम दिसंबर में एक अधिवेशन कर रहे हैं। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने अपने अपने जो मित्र प्रोफेसर आरपी गर्ग साहब है, डॉक्टर मनु जी है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। मैंने ये भी महसूस किया कि जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो चीजों को समझते तो हैं, लेकिन अखबार पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और उनको बहुत अधिक बदला भी नहीं जा सकता। तो लुब्बे लुआब ये आया कि यदि बच्चों में काम किया जाए, जी बच्चों में अलख जगाई जाए, बच्चों में बच्चों के स्वतंत्र विकास के लिए कुछ ऐसा काम हो, तो शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है। ये बिल्कुल मुझे ये कहा भी गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है। मैंने कि देखो, मैंने तो एक जो गिलहरी के बारे में कहते हैं कि गिलहरी अपना काम, जब जी रामचंद्र जी समुद्र को पाट रहे थे तो गिलहरी वो मिट्टी में जाती और फुदक करके उस समुद्र में अपनी मिट्टी झाड़ देती थी। तो हनुमान जी पूछते हैं कि भाई तू क्या कर रही है? कि बिल्कुल मैं अपना सहयोग कर रही हूं। तो
यह सोच करके ही मैंने ये बात शुरू की। बिल्कुल, और इसमें नहीं, बिल्कुल ठीक कह मैंने, रहे हैं आप। इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं, हाँ, वो छोटे छोटे प्रयास ही आगे चलते ये बात हैं। और ये काम तो हिमालय पर्वत तो छोटा है, इससे भी बड़ा काम है बिल्कुल वैज्ञानिकता तो का विकास करना, आम जन में एक वैज्ञानिकता का विकास करना। अब इसके दो आयाम है, एक तो बच्चों में स्वतंत्र चिंतन की राह पैदा करना, उनमें उनको मोटिवेट करना, और दूसरा समाज में संवैधानिक नैतिकता के प्रति जागरण करना। दो उसके अलग अलग आयाम है। तो हमने फिलहाल कोरोना काल में ये काम शुरू किया, और हमने हमारे जो जो बड़े बेटे जो गुजर गए थे आपके जो बड़े पुत्र उनकी याद में हमने एक फाउंडेशन की स्थापना की आपने, एक एक ट्रस्ट, जो क्योंकि कोई न कोई संस्था का नाम तो होना ही चाहिए जी, तो वो ट्रस्ट हमने बनाया, उसको रजिस्टर्ड करवाया, और रजिस्टर्ड करवा के हमारा पहला जो काम था वो हमने एक ऑनलाइन कंपटीशन करवाया। वो तो आपने विभिन्न, आपने कई कई विद्यालयों के अंदर करवाया है ये काम, तो आप जो है हाँ, तो हमारा जो प्रारंभिक काम था वो हमने एक कपिल ज्ञान विद्यापीठ में करवाया, और वो ऑनलाइन था। अच्छा, हाँ, उसका हमने ऑनलाइन ही उसका वैल्यूएशन किया, और फिर हमने उनका वायवा लिया, और वे अद्भुत अनुभव था। फिर किस तरह का अनुभव रहा होगा आपका, जैसे अभी आपने बताया कि भी उन बच्चों के बीच में जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन जो है कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया, तो उन बच्चों से आपको क्या उम्मीद बंधी कि ये जो आपकी मुहिम है उस मुहिम के अंदर वो बच्चे जो है वो ज्यादा ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति तो है जी, बच्चों में जानने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग है। उनकी प्राथमिकताएं वह नहीं जो हम चाहते हैं, और ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। फिर हमने दूसरा जो प्रयोग किया, हम उनमें घाट गेट में, वहां भी हमने ऑनलाइन कार्यक्रम कराया, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के पास, क्योंकि गरीब बच्चे थे, उनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं था, और हमारा ये काम स्मार्टफोन के जरिए ही संभव था। फिर हम ऑफलाइन का हमने ये मुहिम शुरू करी, जब कोरोना थोड़ा कम हो गया, कोरोना का जो विक्षोभ है वो कम हो गया, तो हमने ऑनलाइन कंपटीशन कराया। वो तो वो क्या है कि जब कोई काम अपन हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो उतार चढ़ाव तो आते चले जाते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा अनुभव जो था वो हमने ऑफलाइन प्रोग्राम कराए, वो बेहतर थे, और खास बात ये रही कि जो स्कूल, जिस स्कूल में हम गए, उस स्कूल के प्रबंधकों का, उनके टीचर्स का, जो जो हमारे साथ सहयोग था, प्रेम था, वो अद्भुत था। वो जानते थे कि हम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग किया। और जब हमें 15 अगस्त को बुलाया तो मैं और प्रोफेसर आरपी गर्ग साहब और प्रोफेसर हसन तीनों को बुलाया, और उन्होंने हमारी बातों को सुना, और हमने ये बताया कि आज जो रैशनलिटी की क्यों आवश्यकता है, विवेक की क्यों जरूरत है, अंधविश्वास क्यों खतरा
हमारे लिए खतरनाक है, और वो एक बहुत हमारा एक अच्छा अनुभव था। क्या फिर हमने आपको गुप्ता साहब आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आप जैसा कह रहे हैं कि रैशनलिटी को आगे बढ़ाने में हमने जो है वो हमारे हमारी जो धार्मिक विश्वास है, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको भी जो है एक तरह से चुनौती के रूप में लिया, तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि जैसे बच्चों के बीच में जब हम काम करते हैं और उनको जब हम जो है धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों इनके बारे में बताते हैं, तो वो बच्चे जो है वो कई बार जो है वो उन चीजों को बिल्कुल इस रूप में लेते हैं कि जैसे उनके उनकी आस्था के ऊपर, उनकी मान्यताओं के ऊपर जैसे कोई चोट की जा रही हो। तो क्या आप ऐसा नहीं मान करके चलते हैं कि जो धर्मांधता है उसमें और जो धार्मिकता है उसके बीच में हमें फर्क करते हुए अपने इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए? ये आप सही कह रहे हैं। प्रोफेसर रे हुए हैं केमिस्ट्री के जी, प्रोफेसर उन्होंने केमिकल साइंस में बहुत काम किया है, वो हमारे जो है एक तरह से वैज्ञानिक, पिछले 200 सालों में जो वैज्ञानिक हुए हैं उसमें एक प्रोफेसर रे भी हुए हैं बंगाल के। वो ये उनके अनुभव बताते हैं कि भाई मैं जब प्रयोगशाला में बताता हूँ कि भाई चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के क्या कारण है तो बच्चे सब सहमत होते हैं, लेकिन जो ही जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं तो सब जैसे समाज चलता है वैसे ही चलता है। ये जैसे घरों में विश्वास है उसी विश्वास को वो भी मानते हैं, वो भी मानते। ये बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल क्या है कि जैसे ऐसे लोग भी जो विवेक से सोचते हैं, जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, लेकिन जब वो समाज में जाते हैं, जो परिवार में जाते हैं, तो वो उसके अंग बन जाते हैं, क्योंकि परिवार में और समाज में वही चीजें प्रचलित है, वो धारणाएं प्रचलित है, और उनको निकालने के लिए जब तक एक बड़ी मुहिम न हो वो जीवन का हिस्सा बनाना मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैंने जो जो कंपटीशन कराया, जो हमारा जो जो मोती डोंगरी स्कूल में हमने जो कंपटीशन कराया, हालांकि उसके प्रयोग अच्छे थे, लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई हमारा काम इनाम बांटना नहीं है, हमारा काम तो बच्चों में मोटिवेट करना है बच्चों को। और बच्चों से जब मैंने कहा कि आप प्रश्न कीजिए, आप वैज्ञानिकता के बारे में प्रश्न कीजिए, आप अंधविश्वास के खिलाफ प्रश्न कीजिए, आप और बहुत और बातों के बारे में प्रश्न कीजिए, तो लगभग बच्चों ने प्रश्न नहीं किए, लगभग। तो मैंने अपना जो तरीका है अभी फिलहाल जो हमने आप लोगों के साथ अजीत प्रेम जी फाउंडेशन में जो कंपटीशन कराया, वो प्रयोग मेरा ज्यादा बेहतर था। आप लोगों का सहयोग तो था ही, लेकिन जो प्रयोग था उसमें हमने भाषण का तरीका नहीं रखा, हम लोगों का तरीका बच्चों में प्रीचिंग का तरीका नहीं था, बल्कि हम, जैसा आपने देखा, बच्चों से जानने का तरीका था, और वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने भी महसूस किया होगा कि बच्चों से पूछा जाए, बच्चों की चिंताओं को हल किया जाए, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चों की क्या प्रेजुडिसेज हैं, उनको हल किया जाए, उनके लेवल पर आकर के बात की जाए। तो वो प्रयोग
टोंक का जो प्रयोग था, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन स्कूल का प्रयोग था, आपके साथ जो हमारे अनुभव थे वो अब तक के प्रयोग में सबसे बेहतर अनुभव थे, क्योंकि सबसे अहम बात तो बच्चों की में क्वेश्चन पहला पैदा कर देना है। और हमारे समाज में जो एक डर का माहौल हो गया है, ये प्रयोग हालांकि जो जो हम प्रयोग कर रहे हैं हमारे अनुभव बेहतर हो रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। कई बार बच्चों के टेलीफोन भी आते हैं मेरे पास, जो हमने पहले कंपटीशन कराया, और बच्चे पूछते भी है हमारा जो ऐप है उस ऐप में हमने अब ये भी ऑप्शन डाला है कि बच्चे उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हम उसका जवाब दे सकते हैं। बाकी ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ा फील्ड है, वैसे बहुत 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 व्यापक है ये फील्ड, बहुत हाँ, बहुत व्यापक फील्ड है। तो क्या गुप्ता साहब आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए या एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में काम करते हुए क्या ये कमी महसूस नहीं करते हैं आपकी सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कृति कर्मी के साथ में जो है राजनीतिक कर्मियों का जो एक जीवंत संवाद होना चाहिए वो संवाद जो है वो आज हमें समाज के अंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उस संवाद से चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ती है। तो इसकी इसकी क्या वजह मान करके चल रहे हैं आपकी, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के बीच में जो है ना एक डायलॉग हुआ करता था, लेकिन आज वो डायलॉग की जो संस्कृति है वो खत्म हो गई। दरअसल आप जानते हैं कि हमारा एक एक छठी सातवीं शताब्दी तक एक बेहतर समय भी था, जिसको आप क्या नाम से चार्वाक का समय कह सकते हैं, सांख्य का समय कह सकते हैं, बुद्ध का समय कह सकते हैं। उस समय एक विवेक का समय भी था, एक समय था। उस समय कुछ शुरुआती दौर के वैज्ञानिक भी हुए, जैसे जिसको आप आर्यभट्ट कह सकते हैं, वराहमिहिर गिरी कह सकते हैं, ब्रह्मगुप्त कह सकते हैं, लेकिन लेकिन बौद्ध धर्म कमजोर पड़ने से और जो पुरोहित वर्ग है उसका दबाव पड़ने की वजह से एक तरह से वो चीजें धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और हम एक तरह से हमारा जो डार्क एज है, जिसको आप यूरोप में भी डार्क एज कहते हैं और वहां भी जैसे जो जो पादरी कहे या क्रिश्चियनिटी कहे, पादरी कहे वही सच है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ 1000 साल तक ऐसा युग चला जहां प्रश्न करना ही बंद हो गया जी। हाँ, अब ये जो समय था पिछले 200 वर्षों में एक वापस एक मुहिम चली, जिसमें महिला महिला मुक्ति की मुहिम, दलित मुक्ति की मुहिम, एक एक आजादी की मुहिम, एक भाईचारे की मुहिम, एक न्याय की मुहिम, उस मुहिम के तहत ही हमारा मुल्क गांधी नेहरू की लीडरशिप में डेवलप हुआ। लेकिन फिर हम क्या होता है कि 80 के दशक के बाद हमारे यहाँ फिर बाबाओं का असर पड़ने लगा है। हाँ, बाबाओं का जोर पड़ने लगा है, बाबियों का जोर पड़ने लगा है और बाबा इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई राजनेता उनको क्या नाम से इग्नोर नहीं कर सकता। एक जमाने में केरल का जत्था पूरे मुल्क में, ज्ञान विज्ञान का जत्था पूरे मुल्क में
ज्ञान विज्ञान की के प्रसार के लिए लग गया था, और यशपाल जैसे लोग अपने सूर्य ग्रहण को क्यों पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उसको पूरी तरह से बता रहे थे। और आज हम हमारे हमारे राजनेता और हमारी यूनिवर्सिटीज में वेद विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि मोरनी के आंसू से गर्भाधान होता है, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाने लगा है कि हमारे यहाँ तो वेदों में ही नेट की सुविधा थी, टीवी था, प्लास्टिक सर्जरी थी सूंड को, तो ये हमारे यहाँ एक तरह से अविज्ञान का समय चल रहा है। और जिस समाज में विज्ञान या साइंटिफिक टेंपर को कमजोर कर दिया जाता है, वैज्ञानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया जाता है, विज्ञान के विकास के लिए मुहिम नहीं चलती है, वो समाज पीछे हो जाता है। आज समाज में भी देखिए, जो भी प्रश्न करता है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, जबकि किसी भी मुल्क का विकास, किसी भी समाज का विकास, इवन किसी व्यक्ति का विकास में खास बात जो होती है वो ये है कि प्रश्नाकूलता बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, और सच को स्थापित करने की मुहिम चलती रहनी चाहिए, आंख बीच के कुछ माना नहीं जाना चाहिए, और निरंतर नया सच गढ़ा जाना चाहिए, सच के प्रति अनुशासन बना रहना चाहिए, और निरंतर निरंतर मुल्क की जरूरत के हिसाब से नए आयाम, नया सच गढ़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है जैसे आग लग रही हो और हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा माहौल है। जैन साहब, आप कुछ जो है वो गुप्ता साहब से सवाल पूछना चाहेंगे, आपकी अगर जिज्ञासा हो तो आप भी उनके सामने रखें। हाँ, सबसे पहले तो मैं गुप्ता साहब के इस पुनीत कार्य जो इन्होंने हाथ में लिया है उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा काम लिया है जो हमेशा चलते रहना चाहिए समाज में, और वो काम है बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना, उनको वाद संवाद के लिए प्रेरित करना। तो गुप्ता साहब, मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है हाथ में और आप इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरे होंगे, तो आप हमारे श्रोताओं को ये समझाएं कि इस तरह की जो ट्रस्ट की स्थापना जो की जाती है, वो ट्रस्ट हो सकता है कि आप से इस संभाषण के से कोई प्रेरित होकर इस तरह का कोई ट्रस्ट स्थापित करे और समाज में एक मुहिम चलाए, वो किसी भी क्षेत्र में चलाए। आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, हो सकता है कोई चिकित्सा क्षेत्र में चलाए। तो मुझे आप ये बताएं या अपने सभी श्रोताओं को ये बताएं कि ये जो ट्रस्ट जो स्थापित किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या रही, और इस ट्रस्ट को स्थापित करने में आपको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, या ये ऐसा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और ये आसानी से स्थापित होकर इसका काम शुरू किया जा सकता है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 50-20 श्रोता देख रहे हैं, उनमें से कोई प्रेरित होकर आपसे प्रेरणा लेकर कोई इस तरह का कोई ट्रस्ट स्थापित करके और एक समाज में कोई बड़ा काम हाथ में ले, तो थोड़ा उसके बारे में ये विचार तो बहुत मैं, चूंकि आपने सब कुछ बता दिया कि जिस समाज में वाद संवाद रहता है
वही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है वही समाज, और उसके प्रमाण हैं खूब सारे। और अपने यहाँ तो वाद संवाद की लंबी परंपराएं रही है, तो बच्चों में अनुशासन के नाम पे उनको कठोर अनुशासन या ये कह देना कि भाई ये फला जगह लिखा हुआ और वो लिखा हुआ सही मान लो और चुप बैठो, तो वो बात जमती नहीं है। तो ये बात सही है। और बच्चा जो भी है, आप देखिए कि बच्चा जब भी जन्म लेता है थोड़ा समय समझने लगता है तो वो देखकर ही चीजों को ग्रहण करते ही सीखता है। तो सीखने की जो है वो जिज्ञासा बनी रहे, ये बहुत बढ़िया आपने काम हाथ में लिया है। पर उस ट्रस्ट को स्थापित करने की क्या प्रक्रिया रही और क्या आपको मुश्किलात आई और कितना समय लगा, इस तरह की जानकारी आप अपने श्रोताओं को भी दें तो हो सकता है कोई प्रेरित होकर ऐसा काम करे। देखिए, एक तो ये है जी, हमारा जो जो बेसिक जो मकसद है वो तो है एक खालिस इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग डेवलप करना, एक खालिस खालिस मनुष्य विकसित करना। क्योंकि जो खालिस मनुष्य होगा ना, जो न जाति के हिसाब से सोचेगा, न धर्म के हिसाब से सोचेगा, न किस प्रेजुडिस से चलेगा, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर भी वो जो बचपन की जो चीजें हैं वो आज भी बनी हुई है। तो एक तो कोशिश हमारी यह है कि खालिस मनुष्य बने, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग डेवलप किया जाए। जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग होगा वो बेहतर ढंग से सोचेगा, पहली बात जो मेरे से रह गई थी बात। दूसरी बात यह है कि भाई तीन तरीके हैं ट्रस्ट बनाने के। एक तरीका तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बनाया जा सकता है। एक जो यहाँ पर एक जो देवस्थान विभाग है उसके तहत बनाया जा सकता है। और एक है कि आप कंपनी बना करके बना सकते हैं। तीन तरीके हैं। सोसाइटी में सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन होगा, 11 आदमी होगा, सोसाइटी प्रोफॉर्मा है उसका, वो आपको देना पड़ेगा, सारे उसके सारे मेंबर्स सब कुछ आपको डिटेल देनी पड़ेगी, सारी उसके नियम संविधान बना करके आपको देना पड़ेगा, और वहाँ रजिस्ट्रार के पास बाकायदा प्रोफॉर्मा है और वहां पर रखना पड़ेगा, उसकी अपनी एक फीस है। तो वो एक तो एक वो तरीका है, सोसाइटी का तरीका है, सहकारिता विभाग के तहत होता है उसका रजिस्ट्रेशन। दूसरा है, हमने मैंने जो करवाया है वो देवस्थान विभाग से करवाया है, जो बड़ी चौपड़ में जो हवा महल के सामने उसका दफ्तर है। मुझे 2-3 बार जाना पड़ा, गवाह ले जाने पड़े, और सारे जो जो 7 लोग हैं मेरे उसके ट्रस्ट के मेंबर, उनकी सारी डिटेल पैन आधार कार्ड वगैरह डिटेल दी। और जो एक किसी भी संस्था को बनाने के तरीका होता है, संविधान बनाना, उसके नियम बनाना, उसके अधिकार ट्रस्टियों के मेंबर बनाना, वो सब एक प्रोसीजर है, पूरा एक प्रोफॉर्मा है। उस प्रोफॉर्मा के तहत आपको वहाँ जाना पड़ता है और आपको फिर हर साल ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कार्यवाही के बारे में उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। हमारा कार्यवाही रजिस्टर है, हम साल में 2 बार मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग की डिटेल भी हम वहां पर भेजते हैं। असल असल जो महत्वपूर्ण ट्रस्ट बनाना नहीं है, ट्रस्ट तो बन जाता है, असल ये हम उसमें कितना कितना कामयाब होते हैं, क्या वाकई बच्चों में प्रश्नाकूलता बढ़ रही है, क्या बच्चों में लीक से हटके सोच रहे हैं, क्या हम थोड़ा बहुत पानी में थोड़ी हलचल पैदा कर पा रहे हैं, तब तो हमारा मकसद पूरा होता है। बाकी तो बहुत सारे काम चल रहे हैं और वो सब फॉर्मेलिटी में बदल जाते हैं। तो मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए।
और हमको पूरा होता हुआ लगना चाहिए। यदि हमको वो मकसद पूरा होता है और इसमें ये, हालांकि मेरा तो ये अकेले का प्रयास है, मेरे अकेले के फंड्स हैं, लेकिन ये काम दरअसल अकेले का काम नहीं है। निसंदेह इसमें प्रोफेसर मनु शर्मा और प्रोफेसर डॉक्टर आरपी गर्ग का, दोनों का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। और यहाँ जयपुर में एक प्रोफेसर हसन है, उनका भी मुझे पूरा सहयोग मिलता है। क्योंकि आप किसी भी जगह कार्यवाही कोई कार्यक्रम करते हैं तो बिना आपकी जानकारी के, चाहे आपका मिशन कितना भी बड़ा हो, उनको ये लगता है कि हमें क्या लेना देना है। क्यों, मैं अलवर रहा हूं, अपने साथियों से बात की लेकिन उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। मैं गंगापुर रहा, वहां लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि तात्कालिक रूप से इसमें कोई लाभ नहीं है। तो आदमी क्या है, तात्कालिकता में देख रहा है। और यहाँ तात्कालिकता कुछ नहीं है, मुझे तो बच्चों की, जैसे आपने बताया ना, आप भी बैठे थे वहां, बच्चों की जो खुशी थी, जो अजीज प्रेम जी फाउंडेशन में जो बच्चों की जो चेहरे की रौनक थी जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि भाई मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ। तो यदि बच्चों के चेहरे पर खुशी भी हम ले आए, बच्चों के तनाव को भी हम थोड़ा सा कम कर पाए, क्योंकि आप देखिए हालात इतने खराब हैं, बच्चे आईआईटी में लगे हुए हैं, बच्चे अच्छे पैकेज में लगे हुए हैं, आईआईटी हो जाता है तो भी तनाव में रहता है, और आईआईटी नहीं होता है वो भी तनाव में रहता है। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट रूप से डेवलप करना, उसकी सोच को डेवलप करना बेहद जरूरी है। जैसे मैं अक्सर ये कहा करता हूं, हमारे फादर कहा करते थे कि जैसे हम सब क्या है, लकीर पर चलने वाले लोग हैं, हम सब, हमारा समाज पूरा लकीर पर चलता है। हमारे फादर कहा करते थे कि जो बेहतर व्यक्ति है, जो सपूत है, वो लकीर पर नहीं चलता है, वो लकीर छोड़ करके चलता है। तो यदि हमें कुछ बेहतर करना है, यदि बच्चे को बेहतर करना है, तो उसके, उसे लकीर को छोड़ना पड़ेगा, उसको, तो वो कहावत है अपो दीपो भव, उसको खुद का दीपक खुद बनना पड़ेगा। यदि नहीं बनता है और यदि वो बाजार का ग्राहक बन जाता है तो वो उस तनाव में ही जिएगा, उसको चाहे अच्छी नौकरी मिल जाए तो भी, और नहीं मिले तो भी। तो जैन साहब से क्वेरी थोड़ी पूरी हुई होगी। गुप्ता जी नमस्कार। हाँ यस सर, शुरुआत आपने बहुत अच्छी की और आपने ये भी कहा कि एक खालिस आदमी बनाना चाहता हूँ। हाँ यस, ठीक है, बहुत पाकिजगी से भरी हुई बात है। मकसद है पूरा मकसद हो ना हो अलग बात है। अब हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो धर्म लेके पैदा हो रहा है, जात लेके पैदा हो रहा है। ठीक बात है। तो ये जातिगत धार्मिकता के साथ जब उसके पैदा होते ही जो कर्म घरों में किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, उसका नामकरण होता है और इसको, उसको एक विशेष खाने में जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, तो उसके अपने आगे स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए संभावनाएं कितनी कम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हम जहां से अपनी, जो हमने तय किया है कि कुछ कर गुजरना है, आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से में आपने तय किया है कि कुछ करना है आदमी के लिए, बस तो क्या मनुष्यता के लिए, तो क्या ऐसा लगता नहीं कि हम पहला प्रहार हम उस जड़ता पे करें जहां से एक बच्चा जन्म के साथ ही दूसरे बंधनों में बांध दिया जाता है, जिन अवधारणाओं में बांधा जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे सबसे बड़ी चुनौती है, ये सबसे बड़ी चुनौती है।
स्पर्श और लेकिन स्पर्शता सिखाई जाती है उसको। लेकिन आप देखिए जी, तो आप जहां ये बात करते हैं कि स्वतंत्रता की, कि बच्चों में स्वतंत्रता के संबंध में वैज्ञानिकता के साथ, तर्क के साथ सोच विकसित की जाए, उसमें सबसे बड़ी रुकावट तो वहां से ही शुरू हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरा एक आग्रह है छोटा सा आपको, मैं वार्ता फिर अपन दोबारा भी करेंगे। अगर ऐसा लिटरेचर, ऐसा प्रकाशन कार्य भी किया जाए अगर, कि बच्चों में सबसे धर्म और जात के प्रति तर्क की भावनाएं, तर्क की सोच को विकसित करने की दृष्टि से ऐसा साहित्य रचा जाए और उन बच्चों को मुफ्त बांटा जाए, फिर आप चाहे उनमें प्रतियोगिता कराएं या उनसे संवाद करें, तो शायद है कि हमें कुछ और, जितने रिजल्ट मिल रहे हैं अच्छे, कुछ और रिजल्ट भी मिल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा सोच है। हाँ सक्षम साहब, ऐसा तो क्या है, जैसे मैं शुरुआती दौर में, जब मैं नवी में था तो मैं गंगापुर था, है? जी, जी, जी। तो आप देखिए, मैं आरएसएस का मेंबर था, और मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, तो मैं पूरी ईमानदारी से मैंने 3 साल उनका एक एक्टिव और एक तरह से कार्यकर्ता के रूप में मैं जाना जाता था, और मैं राजस्थान तक जाना जाता था। तो वो आप देखिए, बच्चों में वो जो कच्ची जो उम्र होती है, कच्ची उम्र में जो कच्चा घड़ा होता है, उसको आप कैसे भी ढाल सकते हैं, बिल्कुल। तो एक तो क्या है, बच्चों में जैसे जैसे हमारे फादर कहते थे कि भाई आंख में इसके नहीं मानना है और हमें यहां नहीं मिलाना है। ये हमारे फादर अनपढ़ थे, लेकिन हमें यहां नहीं मिलाना है और आंख में इसके भी नहीं मानना है। सारा श्रेय आज की बात का ये जानने के बाद कि पिता श्री का ये संस्कार है, मैं उनको नमन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, और इस बात को बार बार कहते थे, मुझे कोई 200 बार कहा कि भाई जो सपूत होता है ना, सपूत तो अलग चाल चलता है, जैसे शेर अलग चाल चलता है, शायर अलग चाल चलता है, ऐसे ही सपूत अलग चाल चलता है। तो ये जो हमारे दिमाग में था, तो हम हर समय, हम शुरू से हम उनकी बात का हम यहाँ नहीं मिलाते थे। तो एक बच्चों में ये डेवलप किया जाए कि भाई आप क्या सोचते हैं। आपको याद होगा कमाल अतातुर्क, कमाल अतातुर्क तुर्की का राजा, तुर्की का बादशाह, एक तुर्की का एक तरह से आइकॉन 1921-22 में था। तो वो इतना मतलब हमारे गांधी नेहरू के लेवल का था वो उस जमाने में। उसने पश्चिमी राष्ट्र को धता बता करके और तुर्की को आजाद कर दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, है? ऑटोमन साम्राज्य जब कमजोर हुआ और एक तरह से गिर गया, तो तुर्की का उद्भव हुआ। तो उस आदमी ने, आप देखिए, मस्जिदों में स्कूल खुलवा दिए उस जमाने में, आज से 100 वर्ष पहले। तो वो क्या करता था, एक सप्ताह जो है वो बच्चों को राज दे दिया करता था, एक सप्ताह आप लोग चलाएंगे राज को, आप लोग फैसले लेंगे। बच्चे हमारी तुलना में ज्यादा बेहतर ढंग से सोचते हैं, उनकी परिकल्पना, उनका समझने का सेंस ज्यादा लॉजिकल होता है, वो उतने प्रेजुडिसेस के वाहक नहीं होते हैं, वो उतने जातिवादी भी नहीं होते हैं, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप बच्चों में संभावना, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बच्चों में काम करने से बात बन जाएगी, वो तो केवल हमारी एक वो तो मुहिम है, जैसे पेड़ों में पानी डालना, जैसे जब फ्लावरिंग है वो बेहतर हो, पेड़ पूरी तरह से सघनता पूर्वक विकसित हो,
उसका जो लॉप साइडेड डेवलपमेंट न हो, वो धर्म और जाति का गुलाम न बने, वो कुरीतियों का गुलाम न बने, वो अंधविश्वासों का, पुराणों का, कथाओं का गुलाम न बने, तो वो तो हमारी एक मुहिम है ही। बाकी बड़ा मकसद तो ये है कि जब तक ग्रुप न हो, जैसे अब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में तो आपको पता है दाभोलकर डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ करके पूरा पूरा टाइम इसमें लगाया, अंधश्रद्धा निवारण समिति में, और वो ये जो काला जादू है और अंधविश्वास है, वह बड़ी बड़ी मुहिम चलती है, वो गांव गांव जाते हैं, जिले जिले जाते हैं, और वो यहां तक भी है कि वो 1,00,000 रुपया इनाम देने को तैयार है यदि कोई भूत को बता दे, भूत साबित कर दे, है? और वो गांव गांव जाते हैं। तो ये समूह का काम है, इंडिविजुअल काम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर से जो दरअसल हम अंधविश्वास क्यों मानते हैं, उसके पीछे हमारा एक तो लोभ है और एक कामना है, यदि लोभ या कहो डर है, वो हमारा जो डर है, और दूसरा ये कि समाज में वही प्रचलित है। इंडिविजुअली हो सकता है, इंडिविजुअली मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जो ही परिवार का फंक्शन होता है मुझको भी शामिल होना पड़ता है, कि परिवार में तो वही वैल्यू चल रहे हैं। ये है, ये कंट्राडिक्शन हमारे में भी है, हमारे परिवार में भी है, लेकिन ये बड़ा परिवार डेवलप होगा, यदि बड़ा परिवार डेवलप होगा तो अलग बात होगी। और दूसरी बात साहब ये है, धार्मिकता और धर्मांधता, हमारा धार्मिकता से कोई झगड़ा नहीं है, जैसे हमको संविधान धार्मिक आजादी देता है, पूजने की आजादी देता है, विश्वास की आजादी देता है, हमें कोई से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप उसको संगठन के रूप में दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरे के खिलाफ घृणा फैलाते हैं, दूसरे के खिलाफ दुर्भावना फैलाते हैं, उससे हमको दिक्कत है। व्यक्तिगत रूप से हमारा संविधान भी हमको आस्था और पूजने की आजादी देता है, लेकिन कुप्रचार की आजादी नहीं देता है। और आप देखिए हमारे यहाँ तो साइंटिफिक टेम्पर बाकायदा लोकसभा में पास किया हुआ कानून है, और नेहरू ने उस जमाने में 58 में जब रखा तो विपक्ष ने ये कहा कि आपने अब तक क्यों नहीं रखा था इसको, आपने इतनी देर से क्यों रख रहे हो, कोई उस पर क्या नाम से वो नहीं, विरोध नहीं था। असद ये भी है कि संवैधानिक नैतिकता को रेस्टोर करना, आज तो सरेआम कुछ भी कोई भी कुछ भी कह रहा है, और किसी भी जाति और धर्म के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, जो भी विरोध कर रहा है, जो भी अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहा है, उसी को अर्बन नक्सल डिक्लेयर कर देते हैं। कठिन काम तो है, कारण यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे किसी भी अधिकारी का नाम लें, प्रशासनिक अधिकारी का नाम लें, या पीएम साहब का नाम लें, या सीएम साहब का नाम लें, हाँ, हमारा संविधान को सामने रख के अगर बात करते हैं तो संविधान तो पूरा नैतिकता पर आधारित है, हाँ, नैतिक, हाँ, ठीक, मॉरल वैल्यूज के साथ, और हाँ, आज उस संविधान का जो उपयोग हो रहा है वो सिर्फ हित साधने के लिए हो रहा है, हाँ, उसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि आपको लगता है कि आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अंतर्निहित जो दूसरे तथ्य हैं उनकी उनके तुष्टिकरण के लिए वो संविधान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल क्या हो गया है कि ये इस समय पूरी पूरी दुनिया में जी एक पूरी दुनिया में मोनोपोली जो पावर है जी, वो विकल्प में इतनी जबरदस्त है, चाहे आप तुर्की में वही तुर्की जहाँ की फौज भी जो 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 वहाँ की जो फौज सेकुलर हुआ करती थी, वहाँ जो
ऐदौरगढ़ है उसने वो जो है मुस्लिम वाद वहां विकसित कर दिया है। अच्छा आप देखिए जैसे ये पुतिन, पुतिन भी वो अकेला केवल राष्ट्रपति नहीं है, वो बहुत बड़ा पूंजीपति भी है। इसलिए लोग धर्म में बटे रहे। दूसरा मैं तो ये भी मानता हूं कि हम एक मास्टर हो गया है, एक मुनीम हो गया है और एक गुलाम में तब्दील हो चुका है। हमारे यहाँ समस्त तरह के कानून, समस्त तरह की वेलफेयर स्कीम, हमारा सारा वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। और दरअसल ये भी है कि हमारा मनोविज्ञान जो है धर्म को लेके चमत्कारवाद का है। हमारा जो मनोविज्ञान है धर्म को लेके चमत्कारवाद का है। हमको ये लगता है कि हमको कुछ करना ही नहीं है। यदि यदि कोई खराब होती है बात तो ईश्वर ईश्वर कर देगा, चमत्कार हो जाएगा। हमारे धर्म में चमत्कारवाद जबरदस्त है। हमारे चमत्कार पे टिकी है। हाँ हमारी आस्थाएं भी चमत्कार पे टिकी है। हाँ 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 ये और विज्ञान विज्ञान चमत्कारवाद के खिलाफ है। सही कह रहे हैं। हाँ, 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 एक छोटी सी बात आपसे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने जो ये ट्रस्ट संचालित किया हुआ है, अगर इसमें कोई अन्य व्यक्ति कोई ठीक सी रकम आर्थिक सहयोग के रूप में आपको ट्रस्ट को देना चाहता है अगर, तो क्या उसे आयकर विभाग में कोई छूट मिलेगी? अभी चार महीने पहले सीए से कहके वो फाइल तो लगाई है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, तो हम कंट्रीब्यूशन बाद में लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल तो मैंने कि मैं अपने पर्सनल फंड से ही, और मेरा अभी कोई बहुत बजट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मुझे पांच स्कूल भी ये कहेंगे कि भाई हम ये काम करा ये कंपटीशन कराना चाहते हैं या आप हमारे यहाँ आइए, तो हम वहां जाएंगे और हम उनको हम तो ये चाहते हैं जितने ये मुहिम चले उतना बेहतर है। ठीक है, समय अवधि है अपारी व्यवस्था। एक मैं दो लाइन मैंने लिखी थी, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो है आज मैंने एक वैसे ही कहीं से लिखी थी, वो मैं आपको सुना दूं, जिससे कि ये लिखी मैं लिखी नहीं है, किसी की सुनी हुई लिखी थी। भाई कामयाब जो हमारा मिशन है वो कामयाब होना तो मुश्किल है, इसमें तो कोई बात दो बाय दो राय नहीं है। तो उसमें लिखा मैंने कहीं से लिखा है, उस प्याले में जहर नहीं था, उस प्याले में जहर था ही नहीं जी। उस प्याले में जहर था ही नहीं, अन्यथा सुकरात मर गया होता। उस प्याले में जहर था ही नहीं, अन्यथा सुकरात मर गया होता। तो आप देखिए ये जो परंपरा रही, चाहे सुकरात की हो, चाहे कोपरनिकस की हो, चाहे ब्रूनो की हो, चाहे दाभोलकर की हो, चाहे पंसारी की हो, चाहे कलबुर्गी की हो, भाई लोग बात तो जेलों में पड़े हैं साहब, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सही बात, बिल्कुल सही। लोग बात तो कॉज के लिए, लोग वहां जंगलों में पड़े हैं, तो अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे, अपन तो थोड़ा सा समय दे रहे हैं। जरूर करेंगे। हाँ आदरणीय मनोज जी बैठे हैं यहाँ, अब ये समय की व्यवस्था है इसलिए जो है नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा दरअसल और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और आगे भी ये बातचीत अपनी जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल। बहुत 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 मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी, क्योंकि मैं चाहूंगा किसी स्कूल में स्कूल खुलते ही नए सत्र में जल्दी ही एक अच्छा कार्यक्रम हम करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।